पटना के अशोक राजपथ पर उर्दू बांग्ला चिट्ठी अभ्यर्थियों का हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। सुबह से ही ये अभ्यर्थी लगातार हंगामे प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि बताते चले कि इस दौरान पूरा अशोक राजपथ जाम हो गया और मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों के लाग समझाने के बाद भी अभ्यर्थी वहां से नहीं हटे, जिसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज भी किया गया। हालांकि पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठियां चटकाई जिसमें कई अभ्यर्थी घायल हो गए। दरअसल आपको बता दें कि उर्दू बांग्ला चिट्ठी अभ्यर्थी सरकार से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर आज पटना के अशोक राजपथ पर हंगामा प्रदर्शन किया गया उर्दू बांग्ला चिट्ठी अभ्यर्थियों के द्वारा। लिस्ट में नाम आने के बाद फेल कर दिया गया, ये क्या तमाशा है? रिजल्ट देकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद फेल कर दिया गया, ये क्या तमाशा है? वो भी 8 साल हो गए, 8 साल से पूरे इंसाफ मांग रहा है पूरा बिहार। हमारे रिजल्ट के ऊपर में ओपिनियन मंगवा लिया गया, उसके बाद में डायरेक्टर का लेटर निकल गया, उसके बाद भी अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। और अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव पे। मरगूब, उर्दू बांग्ला टीटी अभ्यर्थियों का हंगामा प्रदर्शन लगातार जारी रहा और ऐसे में क्या कुछ मांगे इन अभ्यर्थियों की? तो लगता है हमारा संपर्क हमारे सहयोगी से नहीं हो पाया। फिलहाल आपको बताते चले कि पटना के अशोक राजपथ पर उर्दू बांग्ला टीटी अभ्यर्थियों का हंगामा किया गया और ऐसे में अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर ये टीटी अभ्यर्थियों द्वारा हंगामा किया जा रहा था। हालांकि इस बीच पुलिस को बल प्रयोग भी करना पड़ा, पुलिस ने लाठियां भी चटकाई इन अभ्यर्थियों पर, कई अभ्यर्थी घायल भी हो गए हैं। हालांकि बता दें कि कई लोग को हिरासत में भी लिया गया है। और एक बार फिर से पटना से हमारे संवाददाता मरगूब वाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव पे। मरगूब, उर्दू बांग्ला टीटी अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है और ऐसे में क्या कुछ मांगे हैं इन टीटी अभ्यर्थियों की? देखिए करिश्मा, पिछले कई महीने से ये संघर्षरत हैं। इनका कहना है कि इनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, कई लोगों को फेल कर दिया गया, इनके खिलाफ लगातार ये संघर्षरत है। और अगर आप बात करेंगे तो लगभग एक महीना पहले भी इनका पट्टा के सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, हंगामा हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। और आज इन लोग का राजभवन मार्च था, साइंस कॉलेज से ये निकले थे राजभवन मार्च के लिए, इसी दौरान अशोक राजपथ को इन लोगों ने जाम कर दिया। अशोक राजपथ पर अफरा तफरी की स्थिति हो गई, पूरा अशोक राजपथ जाम हो गया, पुलिस पहुंची, पुलिस ने जी कह सकते हैं कि इनको समझाने की कोशिश की, सफल नहीं हो पाए। उसके बाद कई विधायकों की गाड़ी को इन लोगों ने घेर लिया, किसी तरीके से उनको वहां से हटाया गया। उसके बाद ये कारगिल चौराहा पहुंच गए, कारगिल चौराहे पर इन लोगों ने जाम करके हंगामा कर दिया, प्रदर्शन करने लगे। तो हालात इतने ख़राब हो गए कि अब लग रहा था पुलिस को कि समझाने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है। तो अंततोगत पुलिस ने हटाने की कोशिश की तो इनके साथ झड़प हो गई, झड़प के बाद मारपीट हो गई, ये लोग सड़क पर लेट गए, हंगामा करने लगे, तब जा करके पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने जम के लाठियाँ भाजी हैं, कई लोग घायल हुए हैं, कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और अब उनको हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद या तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा या उन्हें जेल भेजा जाएगा। इनकी मांग है करिश्मा कि सरकार इनकी मांग को पूरा करे, जो लोग फेल कर गए हैं उनको सरकार पास करे और जो लोग पास कर चुके हैं उनको नौकरी दे। मरगूब, तो नियुक्ति की मांग को लेकर उर्दू बांग्ला चिट्ठी अभ्यर्थियों द्वारा हंगामा किया गया, तमाम जानकारी के लिए मरगूब आपका शुक्रिया।